हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है जॉइंट्स यानी जोड़ यानी संधियाँ। ठीक है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% गारंटी के साथ इसमें एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इसमें बस वही बात होगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा वीडियो को। दोस्तों, ज्वाइंट्स की बात करेंगे तो ज्वाइंट्स कहते किसे हैं, यानी दो चीज का आपस में जुड़ना ही तो ज्वाइंट्स होता है, यानी कि दो या दो से अधिक हड्डियों की जोड़ को क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं, और इसे संधि भी कहते हैं जोड़ को। ठीक है, तो संधियों के अध्ययन को यानी जोड़ों के अध्ययन को यानी ज्वाइंट्स के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजी। और सभी के अध्ययन को क्या कहते हैं, बहुत सारे चीजों के, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे कि पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, उसी तरह जॉइंट्स के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स होते कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स जो है, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, तो जॉइंट्स जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अचल संधि, अचल संधि, चल संधि। ठीक है, यानी गति के आधार पर ज्वाइंट्स जो है तीन प्रकार के होते हैं, अचल संधि, अधचल संधि, चल संधि। इसी को संरचना के आधार पर हम देखेंगे तो अचल संधि के फाइबर्स ज्वाइंट, अधचल को कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स एंड चल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट्स बोला जाता है। अब हम इन सभी के बारे में, तीनों के बारे में थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अचल संधि। ठीक है, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल गया होगा कि अचल यानी जो चल न सके, यानी जिसमें गति न हो, उसी को कहते हैं अचल संधि, और जिसको आदि अन्य नामों से जाना जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम, जैसे कि अचल संधि को फिक्स ज्वाइंट कहते हैं, फिक्स मतलब जो एक जगह फिक्स हो, फाइबर्स ज्वाइंट कहते हैं, साइनोथ्रोसिस एंड इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो अचल संधि को क्या क्या कहते हैं, फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल, मतलब बिना गति, कोई गति नहीं। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही इस समय पूछा जाता है। ठीक है, आप पूछ देगा कि साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट्स किस संधि का नाम है, तो क्या उत्तर देंगे, अचल संधि का नाम है। ठीक है, तो अचल संधि में क्या होता है, कोई गति नहीं होती है, वो स्थिर रहता है। तो इसमें कौन कौन सी संधि आती है, जैसे कि सचर, सिंडेमोसिस, गुम्फोसिस, साइक्रोइलियक जोड़, चार प्रकार के इसमें आते हैं अचल संधि में। तो सचर जो होता है वो खोपड़ी का जोड़ होता है, बाईं हड्डी का जो खोपड़ी का जोड़ है, ठीक है, वो सचर ज्वाइंट में आता है। ठीक है, एंड दूसरा है सिंडेमोसिस, इन लंबे फाइबर तंतु के ज्वाइंट्स, इसमें जो है हमारे जो नीचे के पैर के नीचे की जो टिबिया, इंटीरियर टिबिया एंड फिबुला ज्वाइंट्स हैं। ठीक है, इंटीरियर टिबिया और फिबुला ज्वाइंट्स है, टिबिया फिबुला के आगे के भाग। ठीक है, टिबिया एंड फिबुला हड्डी के निचले का जोड़ जो है, निचला जोड़ है जो हमारे टखने के ठीक ऊपर है। ठीक है, तो वहाँ का ज्वाइंट्स जो है वो भी, उसमें भी गति नहीं होता है, यानी कि वो चल संधि के आसपास होने के बावजूद भी इसमें गति नहीं होता है, अचल संधि में आता है। तो इसको सिंडेमोसिस ज्वाइंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सूचर खोपड़ी के हड्डी की जोड़ को कहते हैं, एंड सिनेमोसिस में आपका इंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट्स आता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है सी है, तीसरा है गोम्फोसिस या पेग एंड साकेट ज्वाइंट जिसको बोला जाता है, ये दांतों की जोड़ को गोम्फोसिस बोला जाता है। ठीक है, दांतों की जोड़ को, जैसे कि खोपड़ी की जोड़ को सूचर बोला जाता है, उसी प्रकार दांतों के जोड़ को गोम्फोसिस या पेग एंड साकेट ज्वाइंट बोला जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है साइकोइलियक जोड़, यानी कि
सैक्रम हड्डी जो होता है, जैसे कि आपने रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होता है सर्वाइकल से, लास्ट होता है सैक्रम अकॉक्सीजियल से, तो जो सैक्रम हड्डी होता है जो हमारे कुल्हे के ठीक ऊपर होता है यानी हिप के ठीक ऊपर होता है, तो ये सैक्रम हड्डी का बाहरी भाग जो इलियक हड्डी से जुड़ा होता है कुल्हे में स्थित होता है, वहाँ का जोड़ भी है अचल संधि में आता है। तो अचल संधि में कितने जोड़ आए, सूचक संधि खोपड़ी का जोड़, ठीक है, सिंडेमोसिस यानी कि एडेरियर टिबिया फिब्युलर जॉइंट, गोम्फोसिस या पेग एंड साइकिल जॉइंट दांतों के जोड़, एंड साइकिल इलियक जोड़ जो सैक्रम हड्डी के बाहरी भाग इलियक हड्डी से जुड़ा हुआ कुल्हे में स्थित होता है, ठीक है। तो ये आप, ये मैंने बताया अचल संधि के चार भाग, ठीक है, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगी अर्धचर संधि, अर्धचर जिसका भी इससे भी शाब्दिक अर्थ पता चला, अर्धचर यानी थोड़ा मोड़ा गति, बहुत कम गति, ठीक है। तो अर्धचर संधि को और किस नाम से जाना जाता है, सिकली मूवमेंट मूवेबल कार्टिलेजियस एंड एम्फियार्थ्रोसिस जॉइंट्स, इन सब के नाम से जाना जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि और ना पूछ करके इसी को पूछ करके क्वेश्चन फंसा सकता है, ठीक है। तो अर्धचल संधि जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जैसे कि सिम्फेसिस, सिम्फेसिस में क्या होता है कि दो हड्डियों के मध्य फाइबर जो है कार्टिलेजियस गद्दे के रूप में पाए जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो इसमें मेरा रीढ़ की हड्डी जो होता है तो इंटरवर्टिबल ज्वाइंट आता है, ठीक है, एंड प्यूबिक सिम्फेसिस ज्वाइंट आता है। तो इंटरवर्टिबल ज्वाइंट जो है हमारी रीढ़ की हड्डी का जोड़ जो है वो इंटरवर्टिबल ज्वाइंट में आता है, इसको इंटरवर्टिबल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, यानी अर्धचर संधि के अंतर्गत आता है रीढ़ की हड्डी, एंड दूसरा है प्यूबिक सिम्फेसिस यानी कि जो हमारे कुल्हे में सबसे निचला हिस्सा होता है टेल बोन के पास का जोड़, ठीक है, कुल्हे के सबसे निचला हिस्सा टेल बोन के पास का जोड़ जो है वो प्यूबिक सिम्फेसिस जॉइंट्स है, ठीक है, ये हमारे अर्धचर संधि में आता है, ठीक है। एंड बी है सिनक्रोडोसिस, इसको क्या होता है, जोड़ों के मध्य हाइलाइन कार्टिलेजियस जो होता है, कार्टिलेज कितने प्रकार का होगा, इलास्टिक फाइबर हाइलाइन तीन प्रकार का होता है, यानी कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, ठीक है। तो रंग के तो हाइलाइन कार्टिलेजियस नीले रंग के मजबूत लचीले होते हैं, तो ये जो होता है हमारे रिफ जो होते हैं यानी पसलियाँ और स्टर्नम जो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये अर्धचर संधि जो है दो प्रकार का होता है, सिम्फेसिस और सिनक्रोडोसिस। सिम्फेसिस में दो ज्वाइंट्स आते हैं, रीढ़ की ज्वाइंट और कुल्हे के नीचे का तेल बोन का ज्वाइंट्स आता है, तो रीढ़ की हड्डी के जोड़ को इंटरवर्टिबल ज्वाइंट, ठीक है, इंटरवर्टिबल ज्वाइंट एंड प्यूबिक सिम्फेसिस, इंटरवर्टिबल ज्वाइंट रीढ़ की हड्डी का जोड़, ठीक, और प्यूबिक सिम्फेसिस यानी कि तेल बोन के पास का जोड़ कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा, ठीक, और सिनक्रोडोसिस में हमारा रिप्स केज और स्टर्नम आता है, यानी कि जो हमारे पसलियाँ हैं और जो स्टर्नम है जिससे पसलियाँ जुड़ी रहती हैं। तो सीधा सीधा आप याद रखिए, ज़्यादा याद नहीं रख सकते हैं, तो जानिए कि जो हमारा अधचर संधि है वो हमारे रीढ़ की हड्डी का जोड़ यानी इंटरवर्टिबल ज्वाइंट आता है, यानी आप कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा टेल बोन के पास का जोड़ प्यूबिक सिम्फेसिस आता है, एंड हमारे जो पसलियाँ हैं और जो स्टर्नम है ये भी आता है, ठीक है, जो हमारे बीच वाला पार्ट है हमारा धड़ स्टर्नम पसलियाँ रीढ़ की हड्डी कुल्हे सबसे निचला तेल बोन के पास, ये सब जो है अर्धचल संधि है, ठीक है। अब मैं बात करूँगी चल संधि, ठीक है, चल संधि जो है इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चल संधि को फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स साइनोवियल ज्वाइंट्स एंड डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। और क्या होता है चल संधि, चल यानी शाब्दिक अर्थ से पता चल रहा है कि चल यानी ये भी गति होती है, गति करने में सहायक होती है यह संधि, ठीक है, एंड या तीन तलों में से किसी भी तल में गति कर सकती है, ठीक है, एंड जोड़ों की गति की बनावट स्थिति के आधार पर ये जो है चल संधि छह प्रकार की होती है। चल संधि कितने प्रकार की होती है, कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि चल संधि कितने प्रकार की होती है, तो छह प्रकार की होती है, कौन कौन सी, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बाल एंड सैकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, कॉर्निलॉइड ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट की, यानी इसको हिंदी में कहेंगे फिसलने वाले जोड़, ग्लाइडिंग ज्वाइंट यानी फिसलने वाले जोड़।
आपने सोचिए कि हड्डियाँ कहाँ पर फिसलती हैं, जैसे कि हड्डियों की दो चपटी सतह एक दूसरे पर जब सरकती है फिसलती है तो उसे क्लैरी ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि हमारे जो हाथ की कार्पस और टार्सस जोड़ है, कार्पस और टार्सस यानी कि कलाई में जो कार्पस होती है, हथेली में जो क्या कहते हैं टार्सस बुन होती है, वो जो हड्डियाँ होती है एक दूसरे पर सरकती हैं, इसलिए कार्पस और टार्सस जोड़ जो है वो फिसलने वाले जोड़ होते हैं। ठीक है, कार्पस और टार्सस जोड़ किसमें होते हैं, फिसलने वाले जोड़ होते हैं, विशेष रूप ध्यान में रखिए। एंड दूसरा है बाल एंड साकेट जोड़। दोस्तों आप सबको पता होगा कि बाल एंड साकेट जोड़ कहाँ पाया जाता है। देखिए, जैसे कि हड्डी का एक सिरा दूसरी हड्डी के सिरे में फंसा रहता है, जैसे कि हमारे कंधे का जोड़ हो गया, हमारे कूल्हे का जोड़ हो गया, कंधे का जोड़ जो हो गया है ग्लाइडिंग कैविटी में फंसा रहता है, जो गड्ढा होता है दोनों में, हमारा ह्यूमरस हड्डी और कंधे का दोनों मिल करके यहाँ पे फंसे रहते हैं। तो ये कंधे का जोड़ जो है यानी शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट जो है एंड कूल्हे का ज्वाइंट जो है वो बाल एंड साइकिल ज्वाइंट में आता है। विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार हर बार बाल एंड साइकिल ज्वाइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक कहाँ पे पूछा जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। ठीक है, इसमें एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के सिरे से फंसा रहता है। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि वो कौन सा ज्वाइंट है जो एक हड्डी के सिरे दूसरे हड्डी में फंसा रहता है, उसे कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, बाल एंड साइकिल ज्वाइंट कहते हैं। अब मैं बात करूँगी हिंज ज्वाइंट की। तीसरा है हिंज ज्वाइंट यानी जिसे इन्हें कब्जा जोड़ भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कब्जा मतलब एक दरवाजा, एक तरफ का दरवाजा यानी एक तल में गति। इसमें हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, सबसे ध्यान रखने वाली बात यही है कि एक तल में गति करता है यानी एक ही दिशा में गति करता है। ठीक है, एक ही दिशा में गति करता है। उदाहरण के लिए हमारा जो नी ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, उंगलियों का और जबड़ों का ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट यानी घुटने का ज्वाइंट हमारे पैर के, एल्बो ज्वाइंट यानी हमारे हाथ की कोहनी का ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़, ठीक है, एंड हमारे जबड़े का जोड़, ये जो है एक तल में गति करती हैं। इसलिए ये ज्वाइंट जो है नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों और जबड़ों का ज्वाइंट जो है वो हिंज ज्वाइंट में आता है। ठीक है, इसकी विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम चौथा है कॉन्डिलेट ज्वाइंट। जैसे कि मैंने बात किया कि हिंज ज्वाइंट एक तल में गति करता है, उसी प्रकार कॉन्डिलेट ज्वाइंट जो है दो तल में गति करता है, बट घूर्णन नहीं होता है, इसमें रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दो तल में गति कैसे, जैसे हमारा ब्रिस्ट का यानी कलाई का ज्वाइंट जो हो गया, इसको ध्यान से देखिए, आगे करेंगे पीछे करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, रोटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए कॉन्डिलेट ज्वाइंट यानी दो तल में गति होती है। तो इसका उदाहरण क्या हुआ, या एग्जाम्पल क्या हुआ, ब्रिस्ट ज्वाइंट यानी हमारा कलाई का जोड़। तो यहाँ पूछा जाएगा कलाई का जोड़ या ब्रिस्ट ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो कॉन्डिलेट ज्वाइंट। ठीक है, अब मैं बात करूंगी पांचवा पीवर ज्वाइंट की। ठीक है, प्योर ज्वाइंट जो है इसमें रोटेशन मूवमेंट होता है, सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि वो ज्वाइंट कौन सा है जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, यानी एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी की नुकीले सिरे पर घूमता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है। जैसे कि हमारा सिर का यानी गर्दन का सबसे पहला हड्डी का क्या नाम है, आप बताइए क्या नाम है, एटलस, दूसरे का अक्षक। ठीक है, तो जैसे कि एटलस हड्डी जो है अक्षक के नुकीले सिरे पर क्या करता है, घूमता है, फंसा रहता है, उसी से हमारे क्या कहते हैं हमारे गर्दन की जो गति होती है चारों तरफ। तो एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, तो इसमें रोटेशन मूवमेंट होता है पीवर ज्वाइंट में। तो जैसे इसमें कौन कौन से गति आ जाएंगे, जैसे हमारे सिर की गति यानी सिर गर्दन पर घूमता है, यानी हमारा जो सिर है वो गर्दन पर घूमता है, सिर की गति यानी गर्दन की जो ज्वाइंट हो गया। ठीक है, एंड रेडियस जो है अल्ला हड्डी के ऊपर रोटेशन करता है, कैसे, सुप्रनेशन एंड प्रोनेशन जैसी दो घूर्णन गति करती है। ये सुप्रनेशन आपको पता होगा, हाथ ऊपर की ओर, हथेली ऊपर की ओर, यानी सुपाइन पोजीशन मतलब आंखें आसमान की ओर, और सुप्रनेशन में और प्रोनेशन में हथेलियाँ नीचे की ओर, आंखें भी नीचे की ओर। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बताऊँगी दूसरे वीडियो में। तो आपने क्या देखा कि पीवर ज्वाइंट्स में जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, एक हड्डी का सिरा दूसरे हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, तो हमारे सिर की गति यानी गर्दन की गति, जो गर्दन घूमता है, सिर गर्दन पर घूमता है, तो वो जो है पीवर ज्वाइंट में आएगा। एंड रेडियस है अल्ला हड्डी जो है के ऊपर प्रोनेशन सुप्रोनेशन जैसी घूर्णन गति होती है, ये भी पीवर ज्वाइंट में आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँगी
छठवां सबसे लास्ट सैडल ज्वाइंट। ठीक है, सैडल ज्वाइंट जो होता है परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है, जैसे कि एक किसी भी दिशा व तल में गति होती है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सी ज्वाइंट है जिसमें किसी भी दिशा व तल में गति होती है, तो सैडल ज्वाइंट इसमें जो होता है हमारे अंगूठा जो है प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है ना, यानी किसी भी दिशा तल में गति कर रहा है ना, तो यानी कि हमारे जो कार्पस होता है हड्डी ना, मेटाकार्पस, तो मेटाकार्पस के प्रथम हड्डी के पास ही हमारा अंगूठा स्थित है, तो यानी कि मेटाकार्पस के प्रथम हड्डी यानी ट्रिपीजियम, उसका क्या नाम है, मेटाकार्पस के प्रथम हड्डी का ट्रिपीजियम तथा मेटाकार्पस कार्पल हड्डी की संधि। ठीक है, तो ये मेटाकार्पल हड्डी की जो संधि होती है जिसमें अंगूठा जो है प्रत्येक अंगुली के सामने जा सकता है, ये हमारा सैडल जॉइंट्स में आता है। तो दोस्तों ये था जॉइंट्स के बारे में, आई होप कि आपको जॉइंट्स से रिलेटेड सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से जैसा मैं बता रही हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ बोलती हूँ। तो आई होप कि आपको ये जॉइंट्स, तीनों जॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिससे आपके माध्यम से उन तक भी वह जानकारी पहुँच सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो आगे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।